एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले एक नंबर हम लोग लेते हैं -3 + 4, इसको नंबर लाइन पे ऐड करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए जो डिजिट फर्स्ट डिजिट है यहाँ जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे -3 पे पहुँचिए। अभी जो आगे के डिजिट है इतने डिजिट काउंट करके, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, एक चीज ध्यान रखिएगा जब हम लोग प्लस वाली डिजिट लेंगे तो राइट साइड में बढ़ेंगे, यदि माइनस वाली डिजिट लेंगे तो लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे। तो ये डिजिट प्लस वाली साइड में हम लोग जाएंगे क्योंकि ये प्लस 4 है। यहाँ -3 से ही हमको +4 डिजिट में जाना है, तो इसको छोड़ दीजिए 1 2 3 4, यानी यहाँ से जब हम लोग वापस गए तो यहाँ पर पहुँचिए 1, यानी -3 और +4 को नंबर लाइन पर ऐड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त हुआ, यानी +1 प्राप्त। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन -2 और -3, इसको नंबर लाइन पे ऐड करना है, इक्वल लिख देंगे। देखिए -2 है तो 0 से -2 पे पहुंच जाएंगे, पहले भी बता चुके हैं ये नेगेटिव डिजिट है तो लेफ्ट साइड में जाएंगे और पॉजिटिव डिजिट है तो राइट साइड में, तो ये नेगेटिव है -3 डिजिट। और आगे जो काउंट करके हम लोग पहुंच जाएंगे 1 2 3, देखिए पुनः इस पे चले यहाँ पे पहुंच गए -2 और -3 नंबर लाइन पे ऐड किए, कितना हो गया -5 में ऐड करना है 7, ये कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले -5 है तो 0 से -5 तक हम लोग पहुंचेंगे, अब उसके बाद में इसमें 7 और काउंट करेंगे, जहाँ पहुंचे उसको छोड़ करके 7 डिजिट राइट साइड में क्योंकि ये प्लस में है 1 2 3 4 5 6 7। ये 2 पे पहुंच गए, ये हो गया इक्वल टू 2। अगली डिजिट लेते हैं पॉजिटिव नंबर आते हो और निगेटिव 6 हो, इसमें ऐड करना है -3। तो जाहिर सी बात है जो पहली डिजिट दी हो वहां तक हम लोग पहले पहुंचेंगे 0 से 6, फिर जितनी डिजिट बाद में दी गई हो उतने स्टेप हम लोग वापस आएंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ से पहुंच गए तो वापस चलते हैं यहाँ से 1 2 3, स्टेप हम लोग वापस आएंगे तो कहाँ पे पहुंच गए 6 में -3 ऐड किए तो कहाँ पे पहुंच गए 3 यानी +3 में। अब अगला देखते हैं जब हमारी पॉजिटिव डिजिट छोटी और निगेटिव डिजिट बड़ी, इसी स्टेप को कैसे करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 में ऐड करना है -5, तो सबसे पहले पहली वाली डिजिट जितना होगा उतने वहां तक हम लोग स्टेप्स के अनुसार पहुंचेंगे। तो 3 है तो 0 से 3 पर पहुंच जाएगा, इधर को चले हैं, फिर उसके बाद में -5 है यानी 5 स्टेप्स हमको वापस होना है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से वापस हो जाएंगे। -2 पे पहुंच गए तो 3 और -5 को ऐड किए तो कितना आया नंबर लाइन पे -2। इसी प्रकार से छात्र अपनी पुस्तक से भी इसका रिवाइज टाइप हो गए। इंटीजर्स की हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ध्यान दीजिए, किसी नंबर मान लीजिए -3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल इस प्रकार से होता है। तो
माइनस तीन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाती है, तीन हो जाती है। इसी प्रकार से तीन की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हम मानते हैं, माइनस तीन की तीन हो गई, तो तीन की क्या होती है, तीन की भी एब्सोल्यूट वैल्यू तीन होती है। तो ये रही एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें एक्चुअली ध्यान देना चाहिए कि ये कभी निगेटिव नहीं होती है। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर, ऑर्डरिंग क्या होता है, ये नंबर लाइन बनी है, इसमें ऑर्डर होता है। जैसे हम लोग जीरो से इधर लेफ्ट साइड में बढ़े, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, और जीरो से राइट साइड में बढ़े वन टू थ्री फोर फाइव, यानी जैसे जैसे हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स हमें प्राप्त होते हैं, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में बढ़ते जाते हैं वैसे हमें निगेटिव इंटीजर्स और छोटी संख्याएँ प्राप्त होती हैं। ये हमें पहले से ही याद है कि माइनस वन जीरो से छोटा है, माइनस टू भी जीरो माइनस वन से भी छोटा है, और माइनस जीरो से भी छोटा है, इसी प्रकार माइनस थ्री हुआ, तो इसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं। अगले स्टेप्स में है, इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन पर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट इस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, माइनस थ्री प्लस टू को नंबर लाइन पर ऐड करना है, देखिए कैसे करेंगे। माइनस थ्री और टू को पहले जीरो से माइनस थ्री तक जाएंगे इस प्रकार से, फिर उसमें टू ऐड करना है, फिर माइनस थ्री से इसमें कितना ऐड करना है, टू ऐड करना है, तो माइनस थ्री से यहाँ पे फिर वापस जाएंगे, ये टू यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, वन और टू डिग्री कितना पहुंच गए, माइनस थ्री और टू ऐड किए तो माइनस वन। इसी प्रकार से हम ऐड करते हैं थ्री और टू, नंबर लाइन पे ऐड करना है। अगला तो सबसे पहला काम करेंगे जीरो से थ्री तक जाएंगे, जीरो से थ्री तक इधर जिस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे उस डायरेक्शन में इस एरो को रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद में फिर थ्री से टू डिजिट और आगे जाएंगे, ये देखिए जीरो से थ्री तक पहुंचे, फिर टू डिजिट और आगे बढ़ेंगे फाइव तक, ये रहा नंबर लाइन। इसी प्रकार हम ऑर्डिनरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ एन इंटीजर्स, इंटीजर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट देखते हैं। माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव प्लस टेन, देखिए निगेटिव नंबर है इसको ऐड कर लेंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, यानी निगेटिव एक साथ ऐड करेंगे और पॉजिटिव नंबर एक साथ ऐड करेंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, थ्री टू फाइव और फाइव टेन, माइनस टेन और प्लस टेन, माइनस टेन और प्लस टेन मिलकर के